गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे जो बात कर रहे थे वो परिस्थितियों की बात कर रहे थे। बताया गया था परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की हो सकती हैं। जो समर्थ होते हैं समर्थ से मेरा मतलब है जो जिस काम में निपुण होते हैं वो उसके अंदर समाई हुई परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो सबसे पहले बीमारी की चाल को पहचानता है। फिर उसमें रुकावट पैदा करता है। दुनिया में एक क्षेत्र नहीं है, कृषि का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र में निपुण है वो अपने कला और कौशल के द्वारा उसी क्षेत्र की परिस्थितियों को अपने अनुकूल करता चला जाता है। कैसे? अब सवाल आता है कैसे? रास्ते में बिखरे हुए रोड़े रास्ते में बिखरे हुए रोड़े कार्य में रोड़ा अटकाते हैं। पैरों में चुभते हैं, परंतु जब समझदार व्यक्ति उन्हीं रोड़ों को रास्ते में कूट करके अपने लिए सड़क बना लेता है तो वो ही रोड़े उसके लिए स्मूथ चलने का साधन, बिल्कुल प्लेन चलने का साधन बन जाते हैं, परंतु उसको बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बन जाते। ऐसे ही आपको जीवन जीने के लिए, जीवन के जिस मार्ग, जिस मंजिल पर हमको जाना है, उसमें आई हुई विपरीत परिस्थितियों को अपने काबू में करना पड़ेगा, अपने काबू में करना पड़ेगा। और काबू में करके तब हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं जब उन रोड़ियों को कूट करके अपने लिए प्लेन सड़क बना लेंगे। फिर आवागमन फटाफट होता जाएगा, घंटों का काम मिनटों में पूरा होगा, रास्ता खुल जाएगा, कंटकाकीर्ण रास्ता आपके लिए स्वच्छ हो जाएगा, उसमें कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अब बात आती है एक बात पर, ठीक से समझना। उद्योग से लाभ कमाते हुए देख करके बहुत से आदमी व्यापार करना शुरू कर देते हैं, उद्योग धंधे खोल लेते हैं,
परंतु निपुण ना होने के कारण उस कार्य में सफल नहीं हो पाते। जो पूंजी लगाई, और जो श्रम किया वो सब बेकार चला जाता है। ऐसे कच्चे व्यक्ति काम करने की इच्छा तो रखते हैं, परंतु रास्ते में आई हुई प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। खोल करके भी बोल रहा हूं, ठीक से समझ लेना। पुण्य का कार्य लोभी व्यक्ति करे और पुण्य कार्य करते हुए रास्ते में लोभ आ जाए तो वो पुण्य को छोड़ देता है, लोभ को पकड़ लेता है। बस यही परीक्षा है, यही इस कार्य में परीक्षा है। अगर आपको मंजिल तक जाना है तो इतना मादा, इतनी हिम्मत आप में चाहिए कि सभी तरह के विकारों से आप अपने आप को दूर रख सकें। चार पांच बच्चियों को सोच समझ करके मैंने 3-4 दिन पहले मैसेज डाले थे, सब लाइन पे हैं। योगेश की मेरी एक चर्चा चल रही थी, मेरे से पूछ रहा था आपने ये सब कैसे पहचान लिया, आपसे किसने बताया, किसी दो के बीच की बात थी, आपको ये सब किसने बताया। मैंने उससे कहा आचरण ने बताया, अपनी भाषा एक आचरण की भी अपनी एक भाषा होती है। अगर आपको जीवन की मंजिल तक जाना है तो आपके आचरण में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बात और कहूंगा, आंख पर जैसा चश्मा लगा होता है सारी दुनिया में वैसा ही दिखाई देता है। काले रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का जैसा चश्मा चढ़ जाए दुनिया वैसी ही दिखती है। एक गाय बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को वो गाय मां दिखती है, परंतु थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो मां नहीं दिखती है, बराबर की दिखती है। ये उसके संस्कार हैं। मैं भी आपको कह रहा हूं यही चीजें हमारी जिंदगी में रुकावट बनती हैं। सफलता तो मंजिल है, हर किसी के जीवन में है। आपको सफल होना या असफल होना ये तो आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। थोड़ी सी पूंजी से बढ़कर के मेरे जीवन में एक कार्यकर्ता ऐसे आए, बरेली के थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे। बेटा बड़ा हो गया था, शादी हो गई थी, जाति से वैश्य थे,
पिता ने डांटा, घर में गरीबी है और बेटा तू चुप घर में बैठा रहता है, जाकर के काम कर। बाप ने कई बार समझाया, नहीं माना। एक दिन बाप ने उठा के उसके बर्तन फेंक दिए, जा यहां से। अब बेटे को दिखाई दिया कहां जाए। सद्बुद्धि जगी, अपनी ससुराल गया, जाकर के 2000 रुपए उधार लिए अपने ससुर से। छोटी बात करूंगा, उनसे कहा मेरी पत्नी को कुछ दिन के लिए रख लेना। एक पतीला लाया, छोले का काम करना शुरू कर दिया। छोले का बरेली में एक अच्छी जगह पर, अच्छे ठिए पर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जिसके सामने ठिया लगाया उसको मुंह मांगे पैसे देता था। देखते देखते उसका पहले एक भगोना छोले का निकलता था, कुछ ही दिन में 2 निकलने लगे, काम बढ़ने लगा। जब काम बढ़ने लगा तो उसने बैठने के लिए बेंच डाल दिया और बेंच पर बैठ करके उसने भटूरे का काम और जोड़ दिया। बात बात में जिसके सामने डालता था, वो पान की दुकान थी, उससे कहा बोल इसके कितने पैसे लेता है। जितने मुंह मांगे उसने, मतलब उसके रेट से दुगने मांगे, तो उसने फटाक से निकाल के दे दिए। और एक दिन वो घर भी इसी तरह से खरीद लिया। छोटे से काम से करना शुरू किया था और इतना बड़ा पूरा घर ही उसका ले लिया और उसमें पूरा रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। बढ़ने का तरीका है, एक्सपीरियंस उसके पास था, अपने माल को बेचने का तरीका उसके पास था, इसलिए वो बढ़ गया। चने के दाने बेच करके नहीं बढ़ सकता, परंतु उसके पीछे जो उसका कौशल काम कर रहा था, जीरो से उधार पैसे लेकर के 2000, आज वो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चला रहा है। और रेस्टोरेंट ही नहीं चला रहा, साथ में सुनार की भी दुकान शुरू कर रखी। मैं तो जीवन व्यापार की बात आपसे कर रहा हूं, ये सांसारिक व्यापार की बात नहीं कर रहा, जीवन व्यापार की बात कर रहा हूं। वो कौशल आपके अंदर होना चाहिए। पूंजी से बढ़कर के मानसिक शक्ति होती है, वो अपने साथ बनी रहे, धैर्य के साथ वो हमारे अंदर बनी रहे, हम उस समय का इंतजार करें जहां हमारा खर्चा कम हो जाए और आमदनी ज्यादा हो जाए, तो लाभांश आने लग जाएगा और दिखने लग जाएगा। अभी हमें एक बात कह रहा हूं, धैर्य धैर्य धैर्य, परंतु दूसरी तरफ है उबन उबन उबन। कौन से को अपनाओगे, उबोगे या धैर्य रखोगे? उबोगे या धैर्य रखोगे? ये जिंदगी है, इसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, आपको बताया है, वो हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमारे प्रारब्ध हैं। हमें इस जीवन को जी करके उन प्रारब्धों को भी मिटाना है। अरे टीलों को उठा करके खड्डे में डालना है, टीलों को उठा करके खड्डे में डालना है और अपनी जिंदगी को प्लेन बनाना है। कल गंगा की बात आपसे कही थी, उसी नीति को हमको भी अपनाना है। जब गंगा अपने लिए रास्ता बना लेती है, तब उन टीलों से टकराती है जो उसके सामने रुकावट बनकर के खड़े होते हैं,
तब उसका पानी उनमें सीधा जाकर के टक्कर मारता है और ढाई की ढाई गंगा के अंदर टूट करके गिर जाती है, पर गंगा को नहीं रोक पाती। फिर गंगा को नहीं रोक पाती। अगर गंगा शुरू में ही चली थी और अपना रास्ता टीले को देख करके ना बदलती तो गंगा वहीं फंस करके रह जाती और धैर्य को छोड़ करके उब जाती। और मैं फिर से कहता हूं, बहुत अच्छे से जान लेना, ये धरती पानी भी पीती है, धूप भी उसको पीती है, हवा भी उसको पीती है, जितने भी देव शक्तियां हैं वो सारी की सारी उस पानी को पीती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बोलो, सूरज की गर्मी इस संसार में है तो जब इतना बड़ा सागर जल करके भाप बन करके और नदी वहां पर्वत पर सारी धरती पर आकर के बरसता है तो नदी नहीं सूखेगी क्या? परंतु वो धैर्य रखती है, एक समान वेग से बहती रहती है। आप नदी के किनारे पर जाकर के एक लाइन लगाया ना कि नदी का पानी यही बह रहा है, और एक हफ्ते बाद फिर जाकर के देखना वहीं पर बहता हुआ मिलेगा। वो अपने धैर्य को नहीं खोती, अपने धैर्य को नहीं खोती। जो पहाड़ के ऊपर सागर बैठा हुआ है उसमें से उसी रेशो में वो पिंगलता रहता है, जो सतत अपना प्रवाह बनाए रखता है, सतत अपना प्रवाह बनाए रखता है। वो नदियां मौसमी नदियां नहीं बनती हैं। ऐसी नदी आपने देखी होंगी जो बरसात में तो बहती हैं, पर बरसात के बाद उनमें पानी नहीं रहता है, बरसात के बाद वो सूख जाती हैं, क्योंकि उनका अपना निजी अस्तित्व नहीं होता, निजी अस्तित्व नहीं होता, इसलिए एक समय तक वो बहती है और एक समय के बाद उनमें पानी नहीं रहता। जब पिछला स्रोत सूख जाता है तो आगे के लिए उनके पास कुछ रह नहीं जाता है। कार्य करते समय उबेंगे नहीं और उत्तेजित भी नहीं होंगे। ये समझ लें कि हमें तो लक्ष्य तक पहुंचना है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो। एक बार गिरने में कारण आपको पता लगेगा, समझ लो नूतन बेटा जो बोल रहा हूं, और दीपा भी मुझे दिखाई नहीं दी है, समझ लो, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, जितनी बार गिरो उतनी ही बार उठो। परंतु एक बार गिरोगे तो गिरने का कारण तो पता लगेगा, उस कारण को फिर पैदा ना होने दे, उस कारण को फिर पैदा ना होने दे, वरना परिस्थिति में फंसे रहोगे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसमें फंसे रहोगे। जितनी बार गिरो कोई दिक्कत नहीं, गिरो, पर तुरंत उठो और कारण को समझो, कारण को समझो। जब तक कारण को नहीं समझोगे और उसको परिस्थिति को दोबारा पैदा होने की हिम्मत नहीं जगाओगे, इस कारण में गिरा, इसको दोबारा नहीं पैदा होने दूंगा, आगे के लिए रास्ता बुराई का बंद हो जाएगा, आगे के लिए रास्ता बुराई का बंद हो जाएगा। बार बार गिरोगे एक नया शिक्षण आपको मिलेगा, बाधाएं दूर होंगी, अपने लिए उन्नति का मार्ग खुलेगा, अपने लिए उन्नति का मार्ग खुलेगा। हार मन के हारने से होती है, यदि बलवान मन होता है तो इच्छा की पूर्ति होती है, परंतु अपनी इच्छाओं को सुनिश्चित करिए, अपनी इच्छाओं को सुनिश्चित करिए,
इच्छाओं को मत बढ़ाइए, यही अध्यात्म है। इसी को अध्यात्म कहते हैं कि वो अपनी इच्छाओं को इच्छा रहे तो ईश्वर की तरफ रहे। मैंने अभी कहा था एक गाय बच्चा देती है तो वो बच्चा उसको मां समझता है, परंतु जैसे ही दूध पीने का छोड़ देता है तो फिर उसको बराबर की समझता है। आपको भगवान को भगवान की जगह रखना है, आपको भगवान को भगवान की जगह रखना है, बस। आगे की बात कल बताएंगे, अब ध्यान की तरफ चलें। उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल, पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा, सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व, ब्रह्मवर्चस्व सविता, सविता उपास्य ब्रह्मवर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनीशत, कुंडलिनी अंत ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन मंथन
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक मेरुदंड देवयान कुंडलिनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से षटचक्रों का बेधन मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का बेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन
चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, अज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का शास्त्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्मज्योति में परिवर्तन, महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण, बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगादि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय, पंचोंकार पंच कुंडलिनी जागरण के पांच चरण पंचोंकार।
दोनों हाथ रगड़े, मुख मंडल पर फिराए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्वास्थ्य का अपडेट ये है कि किडनी कुंठित हुई है, उन्होंने अपने काम करना बंद किया है, उसको दोबारा से चलाने में समय लगता है। प्रयास किए जा रहे हैं, एलोपैथी के पास कोई रास्ता नहीं है, गुरुदेव के पास ही रास्ता है। उन्होंने आयुर्वेद में बताया है और चरक संहिता में 14वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन है। उसी के अनुसार उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, जिसका रिजल्ट कम से कम एक सप्ताह जरूर लगेगा तो पता लगेगा। अपनी तरफ से जितने प्रयास हो रहे हैं वो कर रहे हैं। आप सब इसी तरह से प्रार्थना करते रहिए, एक रास्ता निकलेगा। अगर ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये सफल हुआ तो फिर सबके लिए रास्ता खोलेंगे। जो हम चाहते थे पहले नेचुरोपैथी, फिर उसका रास्ता खोलेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ईश्वर की तरफ से, शायद ना होता तो हम ना करते, टल गया था बीच में, लापरवाह हो गए थे। जो ईश्वर कर रहा है वो ठीक है। आप सब इसी तरह से सहयोग बनाए रखना, जागृति लाना। हम सृजन सैनिक हैं गुरुदेव के, हमें उस भूमिका को निभाना है। मैं ये कह दूं अच्छी है तो थोड़ी देर बाद पता नहीं है वो कैसी हो जाएगी, क्योंकि जो खून में गंदगी रुक रही है वो अपना काम करती है। बस स्थिति ये है खून की गंदगी किसी तरह से बाहर निकले, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोज अपडेट आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। पिछले दिनों जो हमने डायलिसिस कराया था वो 7वें दिन कराया है, अब गुरुदेव कब कराएंगे ये आगे पता लगेगा। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं।